दोस्तों, बड़े दुखी मन से वीडियो बना रहा हूँ। आज से कुछ दिन पहले मेरे पास पेशेंट आया कि उसने एक किसी फीमेल से औरत से सेक्स किया। सेक्स करने के बाद इमीडिएटली पेशाब करने के बाद पेशाब में जलन हुआ, जोरदार जलन हुआ आधे घंटे तक। वो डर गया कि लगता है इस औरत से मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया। वैसे आपको जानकारी बता दूँ कि औरतों का जो योनि होता है, जो वेजाइना होता है, उनके अंदर क्या होता है कि एक केमिकल निकलता है, लैक्टिक एसिड। उनके जो वेजाइना के वॉल में लैक्टिक एसिड एसिड बनता है, ऊपर उन्हें बड़ा बढ़िया बना रखा है, जिससे कोई उनका योनि खुला होता है और कीटाणु कीटाणु चढ़ भी जाए तो एसिड में मर जाता है। जिस तरह हमारे आंतों के अंदर हम खाना खाते हैं, स्टमक के अंदर एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खाने कोई कीटाणु खाएंगे हम, अगर उससे ज़्यादा इमीडिएट पानी न पी लें, हम खाने खाना खा लें कीटाणु तो गंदगी खाना खा लें तो एसिड कीटाणु को मार देता है। तो ऊपर हर चीज़ बड़ा इंजाम किया हुआ है। तो सेक्स करने के बाद आधा एक घंटे तक पेशाब पे जलन होना, बार बार पेशाब न लग के आस होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। पर इस लड़के को पता नहीं था, ये डर गया कि लगता मुझे गुप्त हो गया। अगले दिन पेशाब चेक कराया, पेशाब पे 2-3% आया। डॉक्टर कल्चर कर दिया, कल्चर में इकोलाई निकल गया। तो आप जान लो कि पेशाब पे अप टू 5% नॉर्मल होते। जहाँ इकोलाई की बात है, हमारे लिंग पे अगर बिना धोए करोगे तो बैक्टीरिया हर जगह रहते हैं, हर जगह, हर यहाँ भी बैक्टीरिया, यहाँ के तो साफ करके पानी कल्चर, यहाँ बैक्टीरिया निकलेगा। हमारे हेल्दी बैक्टीरिया लगे रहते हैं, जिससे कि कोई कीटाणु जो इन्फेक्शन आए वो बैठी पाते हैं और हेल्दी बैक्टीरिया उसको भगा देते हैं। हर जगह बैक्टीरिया होते हैं। तो तुम्हारा पस यूरिन में पसल ज़्यादा नहीं था। फिर सीमेन चेक कराया, सीमेन में 8-10% लिखा। तो आप जान लो कि सीमेन के अंदर भी हमारे इमेच्योर स्पर्म सेल और सीमेन पस सेल एक जैसे दिखते हैं। तो कितने बार लैब वाले डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उससे उसको पस सेल बोल देते हैं। अधिकांश लैब देखा है कि वीर जांच में 4-6, 4-8% दिखा देते हैं। वो लेडी शादी थी, कैरेक्टर भी खराब नहीं था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। फिर मनो डर आ गया, HIV तो नहीं हो गया। तो आप जान लो कि आज की डेट में HIV बहुत अनकॉमन, इतना कॉमन है नहीं। HIV अगर आप कोई HIV पॉजिटिव वेमेन से टेस्ट सेक्स करोगे, जब तक आपके लिंग में कोई घाव ना हो या उसके योनि में घाव ना हो, HIV नहीं फैलता है। देखा गया कि HIV पॉजिटिव औरतों से भी अगर 300 लोग सेक्स करें एकदम फ्रैंक पॉजिटिव से भी, तो 300 के एक को HIV फैलता है, बाकी 299 का HIV नहीं फैलता है। तो इस बीमारी को बोलते हैं लोग वेनेरियोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तब से बच्चा 5 महीने से टेंशन में है, रोज चेक करता है, बोलता है सफ़ेद धात आता है, चीज़ों पानी आता है। तो आप जान लो कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद आता है, वीर नहीं होता वो। आज फिर उनका मैंने यूरिन चेक कराया, उनका सीमेंट चेक कराया, कल्चर कराया देखने के लिए, तसल्ली के लिए। वो एचआईवी करा दिया मैंने। तो मोस्ट लाइकली की बीमारी है डर, इसे बोलते हैं वेनेरियोफोबिया। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप एक बार टेस्ट कराए, दो बार टेस्ट करा के वहम दूर करिए। आप खाली सोचते मतलब मुझे गुप्त रोग हो गया है। तो आई होप आपको नॉलेज मिले कि अगर सेक्स के बाद इमीडिएट जलन हो रही है तो नॉर्मल है, आधे घंटे ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। समझ गए?